नमस्कार। रोटेशनल मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टॉर्क तक की बात किया था और मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि इस चैप्टर में रोज़ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत एक वार्म अप क्वेश्चन से करेंगे और पिछले क्लास में भी मैंने शायद दो वार्म अप क्वेश्चंस पूछे थे आपसे। आज फिर मैं आपको एक वार्म अप क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ। देखिए, ये अग्नि आईसी जेल जो पेन होता है उसका कवर है और इससे एक थ्रेड गुजर रही है, इसके अंदर से एक थ्रेड गुजर रही है और इस थ्रेड के एक एंड पे एक छोटा सा नट बंधा हुआ है, बहुत छोटा सा, बहुत कम मास का नट बंधा हुआ है और थ्रेड के दूसरे एंड से ये बॉल बंधा हुआ है। इस बॉल का मास इस नट के मास से काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा कि इस नट को, ये जो नट है, इसको मैं सर्कुलर मोशन करवाऊँगा, सर्कल में घुमाऊँगा इस पेन के सहारे, ऐसे ऐसे मैं इसको इस तरह से सर्कल में घुमाऊँगा और जब मैं इस नट को सर्कल में घुमाऊँगा तो आप देखेंगे एक सर्टेन से ज़्यादा एंगुलर स्पीड मेंटेन करवाने पर ये कम मास का जो नट है ये ज़्यादा मास वाले बॉल को ऊपर रेज करवा लेता है, ऊपर उठा लेता है। तो आपको बताना है ऐसा क्यों होता है, पहले आप ऑब्जर्व करें कि ऊपर उठता है कि नहीं उठता है। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे आपको दिख रहा होगा शायद, सर्कुलर मोशन मैं करवा रहा हूँ और जैसे ही मैं इसका एंगुलर स्पीड एक सर्टेन से ज़्यादा मेंटेन करूँगा तो ये बॉल ऊपर उठने लगेगा। बॉल आपको ऊपर उठता हुआ दिख रहा होगा और जब मैं इसका एंगुलर स्पीड कम कर रहा हूँ तो बॉल नीचे जा रहा है। और दूसरी चीज़ एक चीज़ आप और देख सकते हैं, ऐसे मैंने एक सर्टेन एंगुलर स्पीड से नट को घुमा दिया और अब इस रस्सी को मैं जब नीचे खींचता हूं तो शायद आपको दिखा होगा कि उसका एंगुलर स्पीड तेज होने लगता है। ऐसा क्यों, एक बार मैं फिर इसको दिखा रहा हूं। इसको मैंने ऐसे घुमाया, ऐसे मैंने घुमाया और जब इस रस्सी को मैं नीचे खींच रहा हूं, मतलब कि जब इसके सर्कल का रेडियस कम होने लगता है, ये ऐसे कम होने लगता है, सर्कल का रेडियस जब कम होने लगता है तो जैसे जैसे रेडियस कम होता है उसका एंगुलर स्पीड ज़्यादा तेज होने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा था? और आप एक तीसरी चीज़ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब ये नट सर्कल में घूम रहा था तो क्या इसके सर्कल का प्लेन पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल था, ये थ्रेड क्या पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल थी या थोड़ा ऐसे टिल्टेड थी? इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल था तब क्यों और अगर टिल्टेड था तब क्यों, दोनों की वजह आपको बतानी है, दोनों के फिजिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इन कुछ सवालों को आप सोचेंगे और आप कमेंट्स में अपने आंसर्स डाल सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किसी फोर्स का किसी बॉडी पर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे डिफाइंड होता है इसकी बात किया था। आज मैं टॉर्क वाली बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। मैंने कहा था टॉर्क डिफाइंड होता है किसी फोर्स के लिए, टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स का लगना जरूरी है, तो टॉर्क डिफाइंड होगा फॉर ए गिवन फोर्स ऑन अ गिवन बॉडी अबाउट अ गिवन पॉइंट और अ गिवन लाइन। तो अबाउट अ गिवन पॉइंट किसी फोर्स का किसी बॉडी पर टॉर्क कैसे डिफाइंड होगा इसकी बात मैंने पिछले क्लास में कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, कोई एक रॉड है, सपोज कीजिए उसका एक एंड पाइवोटेड है ओरिजिन पर और उसके दूसरे एंड पर कोई एक फोर्स हम लोग लगा रहे हैं एफ, और फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का उस पॉइंट के रिलेटिव जिसके अबाउट उस फोर्स का टॉर्क निकालना है इस बॉडी पर, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पॉइंट ओ के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है आर और ये
आर वेक्टर जो है वो एफ के लाइन ऑफ एक्शन के साथ एंगल बनाता है थीटा, और पिछले क्लास में हमने दिखाया था कि अगर एफ का हम लोग दो कंपोनेंट ले लें, एक आर के लाइन के लॉन्ग, आर के पैरेलल, जिसको हम लोग एफ पैरेलल बोलेंगे, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ले लें आर के लाइन ऑफ एक्शन से 90 डिग्री पर, आर के लाइन से 90 डिग्री पे, और ये हो जाएगा एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। उसी तरह से अगर फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर सेपरेशन आर परपेंडिकुलर है, तो आप देख सकते हैं कि ये होगा आर साइन थीटा। और हम लोगों ने टॉर्क को डिफाइन किया था कि इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क डिफाइंड होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का उस पॉइंट के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क निकालना है, और फोर्स वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, मतलब पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय फोर्स का आर वेक्टर से 90 डिग्री पर वाला कंपोनेंट, मतलब कि टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए किसी बॉडी पर किसी गिवन पॉइंट के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी पर लगने वाले फोर्स का आर से 90 डिग्री पर वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। और आर क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट गिवन फोर्स का टॉर्क निकालना है उस पॉइंट के रिलेटिव फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर। इसको दूसरे तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एफ इंटू आर साइन थीटा। और एफ क्या है, एफ है वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड इंटू आर साइन थीटा, और ये आर साइन थीटा क्या है, यह वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब जिस फोर्स का गिवन पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर सेपरेशन जिस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क निकालना है। तो ये सारी बात हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, हमने आपको एक तरह से रिकैप करवा दिया ताकि पिछला लेक्चर आपको याद आ जाए। आज मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि टॉर्क किसी गिवन फोर्स का किसी गिवन बॉडी पर डिफाइन किया जा सकता है आइदर अबाउट अ पॉइंट और अबाउट अ लाइन। अब मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये इस पॉइंट पर पाइवोटेड है, और ये बॉडी इस लाइन के चारों तरफ इस तरह से इस लाइन के चारों तरफ रोटेट करने के लिए फ्री है, और इस वाले एंड पर इस वाले पॉइंट पर ये पाइवोटेड है। इस बॉडी के इस एंड पर एक फोर्स लग रहा है एफ इस तरीके का, इस वाले फोर्स का टॉर्क निकालना चाहते हैं इस बॉडी पर इस लाइन के अबाउट, पॉइंट के अबाउट नहीं, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट। तो किसी फोर्स का किसी लाइन के अबाउट टॉर्क निकालने का तरीका होता है कि जिस लाइन के अबाउट गिवन फोर्स का टॉर्क निकालना है उस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, उस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, कहीं भी जहां आपकी इच्छा हो। शर्त सिर्फ यह है कि उस पॉइंट को उसी लाइन पर कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए। आप पॉइंट यहां ले सकते हैं, 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 जहां आपको सहूलियत हो। द ओनली कंडीशन इज दैट कि द पॉइंट शुड लाई ऑन दैट लाइन। तो जिस लाइन के अबाउट आपको गिवन फोर्स का टॉर्क निकालना है उस लाइन पर एक पॉइंट ले लें, उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क निकालें। और किसी पॉइंट के अबाउट फोर्स का टॉर्क कैसे निकलता है आपको पता है, और जो टॉर्क आए उस लाइन पर लिए गए पॉइंट के अबाउट गिवन फोर्स का जो टॉर्क आएगा
उस टॉर्क का कंपोनेंट ले लीजिए उस लाइन के अलोंग, वही हो जाएगा उस फोर्स का उस लाइन के अबाउट टॉर्क। फॉर एन एग्जांपल, ऐसा फोर्स है, इस फोर्स का टॉर्क निकालना है इस लाइन के अबाउट इस बॉडी पर, तो इस फोर्स का इस लाइन के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस लाइन पर एक पॉइंट ले लिया। हम पॉइंट वही ले लेते हैं जहां पर ये बॉडी पाइवोटेड है उस लाइन के ऊपर में, इसी को ओरिजिन ले लेते हैं और इस पॉइंट के अबाउट पहले इस फोर्स का टॉर्क निकालते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजिशन वेक्टर उस पॉइंट के रिलेटिव आर, ये हो जाएगा आर और एफ इधर है। तो अब देखा जाए आर इधर है और एफ इधर है, तो राइट हैंड थंब रूल लगा देते हैं, आर क्रॉस एफ कुछ इस तरफ आ जाएगा। तो ये बॉडी है, इस पर ऐसा फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट को ओरिजिन ले लिए, तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, और वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ इधर कहीं पर आ जाएगा एट सम एंगल फ्रॉम दिस लाइन। सपोज कीजिए इस लाइन से अल्फा एंगल पे आ गया, इस वाले फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट टॉ, इस लाइन से अल्फा एंगल पे आ गया, तो उसका इस लाइन के लॉन्ग कॉम्पोनेंट ले लीजिए टॉ कॉस अल्फा, वही हो जाएगा उस फोर्स का इस लाइन के अबाउट टॉर्क। तो मैं कंक्लूड कर दूं, किसी फोर्स का किसी लाइन के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, उस लाइन पर जिस लाइन के अबाउट टॉर्क निकालना है उस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क निकालेंगे, और जो टॉर्क आएगा उस लाइन पर लिए गए किसी एक पॉइंट के अबाउट गिवन फोर्स का जो टॉर्क आएगा उस टॉर्क का उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट ले लेंगे, वही हो जाएगा उस फोर्स का उस लाइन के अबाउट टॉर्क। ध्यान दीजिए, आपके मन में शायद एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर जैसा कि हम लोगों ने कहा किसी फोर्स का किसी लाइन के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए उस लाइन पर एक पॉइंट लेना पड़ता है, तो वो पॉइंट अगर हम लोग यहां ना लेकर के यहां लें यहां लें यहां लें, तब तो आर अलग अलग हो जाएगा और एफ सेम रहेगा, तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क अलग अलग आ जाएगी। तो क्या एक ही फोर्स का एक ही लाइन के अबाउट टॉर्क अलग अलग होगा? आंसर है नो। किसी फोर्स का किसी बॉडी पर किसी गिवन लाइन के अबाउट टॉर्क इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप वो पॉइंट उस लाइन पर कहां लेते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि उस पॉइंट को उसी लाइन पर कहीं ना कहीं लेना है, लेकिन जहां भी लें, यहां लें यहां लें यहां लें यहां लें यहां लें, अगर आप पॉइंट अलग अलग लेंगे तो उस पॉइंट के अबाउट गिवन फोर्स का टॉर्क अलग अलग आएगा, लेकिन उस टॉर्क का जब आप कंपोनेंट लेंगे उस लाइन के लॉन्ग वो ऑलवेज सेम आएगा। एक फोर्स का एक लाइन के अबाउट टॉर्क का एक और केवल एक वैल्यू होगा, वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करेगा इफ द ओरिजिन हैज बीन टेकन ऑन दैट लाइन इटसेल्फ अबाउट विच द टॉर्क ऑफ द गिवन फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड और इज टू बी डिटरमिंड। ओके, अब जैसे देखा जाए, मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये बॉडी इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन करने के लिए फ्री है। अब इस बॉडी के इस वाले पॉइंट पर हम एक फोर्स लगाते हैं, ऐसा हमारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, हमारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस से, इस वाले लाइन से, जिस लाइन के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन के लिए फ्री है उससे 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को अगर पीछे बढ़ाया जाए, प्रोसीड किया जाए बैकवर्ड्स, तो वो उस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। मतलब कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन गिवन लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर है, तो आप जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उस एक्सिस को, उसी पॉइंट को ओरिजिन ले लीजिए, उस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का पहले टॉर्क निकालिए, तो आर ये और एफ भी उधर ही,
तो वेक्टर आर और वेक्टर एफ के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0, उसका लाइन के लॉन्ग कॉम्पोनेंट 0। तो इस टॉर्क का, इस फोर्स का, सॉरी, इस फोर्स का उस लाइन के अबाउट टॉर्क हो जाएगा 0। और इसीलिए आप देखेंगे कि अगर यहां एक धागा बांध करके और इस व्हील को आप सीधे ऐसे खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींचेंगे, तो वो व्हील में कोई एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। व्हील अगर रेस्ट में है तो वो रोटेट करना शुरू नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम फोर्स ऐसा लगाएं, ऐसा पुश करें इसको, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उस लाइन के पैरेलल है जिस लाइन के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालना चाहते हैं। तो इस फोर्स का, इस लाइन के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स जहां पर लग रहा है, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से इस वाले लाइन पर जिस लाइन के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और वो परपेंडिकुलर उस लाइन से जहां पर जाकर के मिलेगा उसी को ओरिजिन ले लेंगे और उस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालेंगे। तो आर ये और एफ इधर, तो आर क्रॉस एफ, आर सॉरी आर इधर और एफ ऊपर है, आर क्रॉस एफ टॉर्क आ जाएगा इस तरफ, आर इधर एफ इधर, तो आर क्रॉस एफ टॉर्क आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग और वो हो जाएगा इस लाइन से 90 पर, उसका इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा 0। मतलब इस दिशा में भी अगर फोर्स लगाते हैं, इस लाइन के पैरेलल अगर कोई फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स का भी इस लाइन के अबाउट कोई टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क 0 होगा। इसलिए वैसा फोर्स भी, अगर इसको धागा बांध के आप सीधे ऐसे खींचिएगा, तो वो फोर्स भी इस व्हील में इस लाइन के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर पहले से ये व्हील रेस्ट में है तो इस लाइन के अबाउट इसको एंगुलर वेलोसिटी नहीं दे पाएगा। अगर फोर्स हम लोग ऐसा लगाएं इस लाइन से 90 डिग्री पर, लेकिन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसको स्क्यू परपेंडिकुलर बोलते हैं, अगर इस दिशा में फोर्स लगाएं, तो आप देखिए इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं तो ये रोटेट करने लग रहा है। तो जब आप फोर्स ऐसा लगाते हैं, इस दिशा में लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग, तो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के सामने वाले पॉइंट को, उस लाइन पर उसके ठीक सामने जो पॉइंट है उसी को ओरिजिन ले लेते हैं और उस पॉइंट के अबाउट पहले इस फोर्स का टॉर्क निकालेंगे और जो टॉर्क आएगा उसका इस लाइन के लॉन्ग कॉम्पोनेंट ले लेंगे। तो आर वेक्टर ये हो जाएगा और एफ इधर है, तो आर क्रॉस एफ पूरा का पूरा टॉर्क इस लाइन के लॉन्ग आ गया, इस लाइन के पैरेलल आ गया, इस लाइन से उसका एंगल 0 डिग्री, तो टॉ कॉस 0 डिग्री इज टॉ, उसका एक टॉर्क है। तो अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन गिवन लाइन से स्क्यू परपेंडिकुलर है, देन इट विल हैव अ टॉर्क अबाउट दिस लाइन एंड दैट टॉर्क विल प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी अबाउट गिवन लाइन और अबाउट गिवन एक्सिस। और इसीलिए जब ऐसा फोर्स लगाते हैं तो ये रोटेट करने लगता है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 से नॉन 0 होती है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, इस लाइन के चारों तरफ ये रोटेट करने लगता है, बिकॉज इस फोर्स का उस लाइन के अबाउट एक नॉन जीरो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। हम लोग एक दो सिंपल क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में टॉर्क के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बनाए थे, अभी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए एक दो सवाल मैं और बनाता हूं टॉर्क के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा उसको किसी गिवन प्रॉब्लम में हम कैसे अप्लाई करेंगे ये सीखने में आपको मदद मिलेगी। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के 2013 के एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया सवाल है। गिवन दैट फोर्स एफ इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल
एट पोजीशन आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप मीटर. फाइंड द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन. ओरिजिन के रिलेटिव इस पोजीशन वेक्टर पर वाले पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है. मतलब फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ओरिजिन के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ये है और इस पॉइंट पर ऐसा फोर्स लग रहा है, तो इस वाले फोर्स का ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है. ओरिजिन के अबाउट मतलब किसी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क निकालना है. हम लोगों ने बताया था किसी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क कैसे डिफाइंड होता है. उस पॉइंट के रिलेटिव फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर, मतलब कि वेक्टर आर और फोर्स वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ मीन्स व्हाट? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप क्रॉस 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप. इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आपको आता है. एक हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लेते हैं. फर्स्ट रो हो जाएगा i कैप j कैप k कैप. सेकेंड रो हो जाएगा इस वाले वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स को मिला करके 1 1 माइनस 1. और थर्ड रो हो जाएगा 5 7 माइनस 3. इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दीजिए. मुझे भरोसा है कि आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने आता है. आई कैप जब कॉमन लूंगा तो ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस 3 माइनस माइनस 7. तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 7. माइनस जे कैप फिर कॉमन लेंगे, अल्टरनेट करता है साइन, प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है. तो माइनस जे कैप कॉमन लेंगे तो जे कैप जिस रो में है वो रो खत्म, जे कैप जिस कॉलम में है वो कॉलम खत्म. तो ये खत्म ये खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए माइनस 3 माइनस माइनस 5. तो माइनस 3 प्लस 5. प्लस के कैप कॉमन लेंगे, ये खत्म ये खत्म, 7 माइनस 5. तो ये कितना हो जाएगा? 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. तो टॉर्क कितना होगा गिवन फोर्स का ओरिजिन के अबाउट? चार ऑप्शंस दिए गए हैं वेक्टर फॉर्म में, जिसमें पहला ही ऑप्शन है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा. एक AIPMT 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है. AIPMT 2012 में एक सवाल पूछा गया है, उस सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं टॉर्क के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड. ये क्वेश्चन है, ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ O एज इट सेंटर. सेंटर मीन्स सेंट्रॉइड, विथ O एज इट सेंटर. ये ABC है, ट्रायंगल ABC है. ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ O एज सेंटर. With O as center, F1, F2 and F3 represent three forces acting along the sides AB, BC and AC respectively. Side AB के along एक force लग रहा है F1, side BC के along एक force लग रहा है F2 और side AC के along एक force लग रहा है F3. F1, F2 and F3 represent three forces acting along the sides AB, BC and AC respectively. If the total torque about point O is zero, then the magnitude of F3 is what? Point O के about इन तीनों forces का total torque,
पॉइंट ओ के अबाउट इन तीनों फोर्सेस का नेट टॉर्क जीरो है, तो आपको बताना है कि वेक्टर एफ थ्री, फोर्स एफ थ्री का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब देख लीजिए किसी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क कैसे डिफाइंड होता है, उस पॉइंट के रिलेटिव फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर सेपरेशन जिस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क निकालना है। तो तीनों ही फोर्सेस का टॉर्क निकालना है पॉइंट ओ के अबाउट, तो पॉइंट ओ से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। और आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में ट्रायंगल के सेंट्रोइड से, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ट्रायंगल के सेंट्रोइड से तीनों ही साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, परपेंडिकुलर सेपरेशन सेम होगा। तो अगर ये आर परपेंडिकुलर है तो ये भी आर परपेंडिकुलर होगा, ये भी आर परपेंडिकुलर होगा, और इस वाले फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कैसा होगा, आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड आउटवर्ड। इस फोर्स का टॉर्क कैसा होगा, आर और एफ इधर है, आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड आउटवर्ड। इस फोर्स का टॉर्क कैसा होगा, आर ऐसा और एफ ऐसा, आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इनवर्ड। तो इस फोर्स का टॉर्क इनवर्ड है, इन दोनों का आउटवर्ड है, तो इन दोनों फोर्सेस का पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड इसके फोर्स एफ थ्री का जो नेट टॉर्क होगा पॉइंट ओ के अबाउट उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर आउटवर्ड टॉर्क को हम पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव ले लें, और दोनों के मैग्नीट्यूड्स अगर इक्वल होंगे तो तीनों का नेट टॉर्क जुड़ करके जीरो बन जाएगा। मतलब क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ टू बी जीरो। एफ वन का टॉर्क हो जाएगा एफ वन इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ टू का टॉर्क हो जाएगा प्लस एफ टू इंटू आर परपेंडिकुलर, और इन दोनों का पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क जितना आउटवर्ड होगा इसका नेट टॉर्क उतना ही इनवर्ड होना चाहिए। तो दिस शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ एफ थ्री अबाउट पॉइंट ओ, एंड इट विल बी एफ थ्री इंटू आर परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एफ थ्री इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, एंड इट विल बी द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन ये सवाल आया था AIPMT 2012 में, उसी तरह से एक क्वेश्चन आया है AIPMT 2009 में, उस सवाल को भी हम लोग देखते हैं। टॉर्क के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप देख सकते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा, बिल्कुल सिंपल कैसे डिफाइंड है टॉर्क, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। AIPMT 2009 में एक सवाल पूछा गया है, इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजिशन वेक्टर आर एंड टॉ बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन, देन क्या होगा, आर डॉट टॉ ग्रेटर देन जीरो, एफ डॉट टॉ लेस देन जीरो, आर डॉट टॉ इक्वल टू जीरो, एफ डॉट टॉ इक्वल टू जीरो, आर डॉट टॉ इक्वल टू जीरो, एफ डॉट टॉ नॉट इक्वल टू जीरो, आर डॉट टॉ नॉट इक्वल टू जीरो, एफ डॉट टॉ इक्वल टू जीरो। देखिए ओरिजिन के रिलेटिव फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजिशन वेक्टर है आर, बॉडी पर जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन है आर, और बॉडी पर लगने वाला फोर्स है एफ। तो इस वाले फोर्स का ओरिजिन के अबाउट जो टॉर्क है टॉ, वो कैसे डिफाइंड होगा, आर क्रॉस एफ। अब आपको पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो वेक्टर मिलता है वो इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, मींस व्हाट, दोनों वेक्टर्स पर इंडिविजुअली भी परपेंडिकुलर होगा। तो ओरिजिन के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होगा जो आर क्रॉस एफ के रूप में डिफाइंड है, ये टॉर्क वेक्टर
परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर पर भी, और ये टॉर्क वेक्टर परपेंडिकुलर होगा एफ वेक्टर पर भी। और आपको पता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट आर के साथ भी जीरो होगा और टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ भी जीरो होगा। तो टॉ डॉट आर भी जीरो होगा और टॉ डॉट एफ भी जीरो होगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, वही सही उत्तर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने टॉर्क के कॉन्सेप्ट को सीखा, और इस चैप्टर में रोटेशन की डायनामिक्स को समझने के लिए टॉर्क के बाद दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो जिस तरह से टॉर्क के बारे में हम लोगों ने कहा था कि टॉर्क फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है, जिस तरह की क्वांटिटी प्योर ट्रांसलेशन में टॉर्क है, फोर्स है, वैसी ही क्वांटिटी प्योर रोटेशन में टॉर्क है। और कोई भी जो रोटेशनल एनालॉग होगा, जैसे फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टॉर्क है, तो वो डिफाइंड होता है फॉर ए गिवन फोर्स अबाउट ए गिवन पॉइंट या अबाउट ए गिवन लाइन। ठीक उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग है, जिस तरह की क्वांटिटी प्योर ट्रांसलेशन में लीनियर मोमेंटम होती है, वैसी ही क्वांटिटी प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग है, और इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइंड होगा आइदर अबाउट अ पॉइंट और अबाउट अ लाइन। एंगुलर मोमेंटम का अपना इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं पूछूं कि इस चौक को हमने ड्रॉप कर दिया यहां से, बताओ इस चौक के पास कोई एंगुलर मोमेंटम था या नहीं, इस बात का कोई आंसर हम नहीं दे सकते जब तक कि हमें यह नहीं बताया जाए, यह नहीं कहा जाए कि इस चौक का एंगुलर मोमेंटम आप किस पॉइंट के अबाउट जानना चाहते हैं और कब जानना चाहते हैं, किस मोमेंट ऑफ टाइम पर जानना चाहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज डिफाइंड होगा अबाउट अ पॉइंट और अबाउट अ लाइन। और जिस तरह से टॉर्क डिफाइंड होता था, जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, इधर जेड एक्सिस होगा, कोई एक बॉडी हम लोग एज्यूम करते हैं सहूलियत के लिए कि एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है तो उसका पोजीशन बदलेगा अलग अलग टाइम पर, उसका पोजीशन अलग अलग होगा, उसका पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा। किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर बॉडी का पोजीशन वेक्टर ये है, बॉडी इस पोजीशन पे है और उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आर है किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर, और बॉडी वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, बॉडी का मास एम है, मीन्स की बॉडी का एक लीनियर मोमेंटम उस मोमेंट ऑफ टाइम पर है एम वी, और बॉडी के लाइन ऑफ मोशन, जिस लाइन के लॉन्ग बॉडी मोशन कर रहा है, बॉडी के लाइन ऑफ मोशन को अगर हम लोग पीछे बढ़ाएं तो बॉडी के लाइन ऑफ मोशन और आर वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा है। बॉडी के लाइन ऑफ मोशन का ओरिजिन से पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर से प्रेशन जो है उसको आर परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये आर परपेंडिकुलर है, और जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा आर साइन थीटा। और लीनियर मोमेंटम वेक्टर जो है बॉडी का, उसका भी हम लोग दो कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं आर के लॉन्ग, इसको आर पैरेलल बोलेंगे, तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, और एक हो जाएगा आर वेक्टर से 90 डिग्री पर, ये हो जाएगा पी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा पी साइन थीटा। तो किसी बॉडी का किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइंड होगा जिस पॉइंट के अबाउट उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जानना चाह रहे हैं, उस पॉइंट के रिलेटिव बॉडी के इंस्टेंटेनियस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर और उस मोमेंट ऑफ टाइम पर बॉडी का लीनियर मोमेंटम वेक्टर,
इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, वहां एफ का रोटेशनल एनालॉग था तो आर क्रॉस एफ करते थे, यहां पी का रोटेशनल एनालॉग है तो आर क्रॉस पी करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमें बताना है, उस पॉइंट के रिलेटिव बॉडी के इंस्टेंटेनियस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर और बॉडी के लीनियर मोमेंटम वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है आर क्रॉस पी भी एक एक्सियल वेक्टर होगा, सो एंगुलर मोमेंटम आल्सो इज एन एक्सियल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम इज एन एक्सियल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी एक एक्सियल वेक्टर होगा। और किसी पॉइंट के अबाउट, यहां पर हमने पॉइंट ओ के अबाउट निकाला है, किसी पॉइंट के अबाउट किसी बॉडी के एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा, और टॉर्क के ही तरह आप इसको लिख सकते हैं आर इंटू पी परपेंडिकुलर, मीन्स उसके इंस्टेंटेनियस पोजीशन के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आर से 90 डिग्री पर लीनियर मोमेंटम का कॉम्पोनेंट। मतलब किसी पॉइंट के अबाउट किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर किसी बॉडी को एक एंगुलर मोमेंटम देने के लिए उसके लीनियर मोमेंटम का वेक्टर आर से, उस पॉइंट के रिलेटिव बॉडी के इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर आर से 90 डिग्री पर जो पी का कॉम्पोनेंट होता है, लीनियर मोमेंटम का कॉम्पोनेंट होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है उस पॉइंट के अबाउट बॉडी को एक एंगुलर मोमेंटम देने के लिए। या इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं पी इंटू आर साइन थीटा, मीन्स वॉट, वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड इंटू आर परपेंडिकुलर, बॉडी के लीनियर मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जिस पॉइंट के अबाउट उसका लीनियर मोमेंटम जानना है बताना है, उस पॉइंट से बॉडी के लाइन ऑफ मोशन का परपेंडिकुलर सेपरेशन। और जैसे टॉर्क में हमने कहा था, तो एंगुलर मोमेंटम में भी किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आप किसी लाइन के अबाउट भी डिफाइन कर सकते हैं, और किसी लाइन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, टॉर्क के ही तरह उस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट के अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे और उस एंगुलर मोमेंटम का उस लाइन के अलोंग कॉम्पोनेंट ले लेंगे, वही हो जाएगा उस बॉडी का उस लाइन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो जो सारी बातें टॉर्क के लिए सही थी वो सारी की सारी बातें उसी पर्सपेक्टिव में उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम के लिए भी सही होगी, क्योंकि किसी पॉइंट के अबाउट या किसी लाइन के अबाउट जिस तरह से टॉर्क डिफाइंड होता था उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइंड होता है। तो जो सारी बातें हम लोग टॉर्क के पर्सपेक्टिव में जैसे करते थे, एंगुलर मोमेंटम में भी वो सारी बातें वैसे ही सही होंगी। जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल है, एक बॉडी को हमने पॉइंट ओ से यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया, वो पैराबोलिक पाथ में मोशन कर रहा है प्रोजेक्टाइल की तरह इस तरह से। तो जिस समय बॉडी अपने ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा उस समय पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो आपको पता है कि जिस समय बॉडी अपने ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर होता है उस समय उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बची रहती है यू कॉस थीटा, और उसका मास है एम, तो उसका नेट लीनियर मोमेंटम उस समय होगा एम यू कॉस थीटा, और वो हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहा होगा, तो उसके लाइन ऑफ मोशन को अगर हम लोग पीछे बढ़ा दें तो पॉइंट ओ से उसके लाइन ऑफ मोशन का परपेंडिकुलर सेपरेशन जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी एच के बराबर हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर डायरेक्टेड तो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इनवर्ड, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा पॉइंट ओ के अबाउट, बॉडी जब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री पर होगा उस समय पॉइंट ओ के अबाउट उसके एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उसके लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड,
तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना, एम यू कॉस थीटा, और उस मोमेंट ऑफ टाइम पर उसके लाइन ऑफ मोशन का, वो हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहा है, उसके लाइन ऑफ मोशन का पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर सेपरेशन, मतलब कि एच, और एच का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एम यू कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। तो ये क्या हो जाएगा, एम यू क्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई टू जी, ये हो जाएगा उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग अगर डेफिनेशन जानते हैं कि हाउ इज एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड, किसी बॉडी का किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा, किसी लाइन के अबाउट कैसे निकलेगा, तो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी उतनी ही आसानी से हम बना सकते हैं जैसे हम लोगों ने टॉर्क के सवालों को देखा। आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमने जो वार्म अप क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स आप हमें पोस्ट करें, कमेंट्स डालें उस पर, और अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर की थ्योरी को आगे लेकर के जाएंगे। धन्यवाद।